अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था कि अगर आपकी एजुकेशन 10th या FA तक है तो आपको जो है यहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो आज की वीडियो भी तकरीबन इससे रिलेटेड है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ आप दोस्तों को जो है डिफरेंट जॉब के मुताबिक बताऊँगा जिसमें आपकी एजुकेशन अगर 10th से भी कम है तो आप उसमें आसानी से जो काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जो मैं चीज़ें बताऊँगा अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो यहाँ पर UAE में जब आप आ जाएंगे तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। तो दो तीन जॉब्स हैं जो मैं समझता हूँ कि आप दोस्तों को बताने चाहिए, तो काइंडली वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहली जो जॉब है वो है मैकेनिकल की जॉब। देखें, UAE में आप दोस्तों को पता है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैराज आप दोस्तों को मिलेंगे। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से गाड़ियाँ आप दोस्तों को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या सीन होता है, जो गैराज होते हैं वहाँ पर आप दोस्तों को पता है कि ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जिसके पास वाकई में स्किल हो, और मोस्टली यहाँ पर जो गैराज होते हैं ना, ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं पाकिस्तानी गैराज में काम करते हैं। अभी क्या होता है कि अगर इसमें आपकी देखें एजुकेशन 10th भी नहीं है ना, इससे कम है, तो आप अगर ये स्किल जानते हैं, ठीक है, आप आने से पहले अपनी कंट्री में ये काम सीख सकते हैं। एटलीस्ट एक साल अगर आप लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्किल सीख के आते हैं तो कोई भी गैराज वाला आपको आसानी से रख लेगा। देखें, स्टार्टिंग में किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपकी सैलरी थोड़ी सी स्टार्टिंग में कम भी है ना तो आपको वो काम करना चाहिए। आपको ना UAE का जो एक्सपीरियंस होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास UAE का एक्सपीरियंस नहीं होगा आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, UAE में एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम सैलरी पर भी काम करना पड़े ना तो आपको करना चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी जो है ना बेस स्टार्ट होती है। तो आप जो है अगर इस तरह की स्किल जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हो आप जो सीख कर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत से गैराज हैं, जिस तरह शारजा में है, रासल खोर में है, और इसके अलावा जो है अलकूज में भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप अगर जो है वैसे ही विज़िट करेंगे ना किसी गैराज का तो इंशाल्लाह वो आपको आसानी से वहाँ पर हायर कर लेंगे। तो ये पहले नंबर पर है जिसको मैंने रखा है। इसके अलावा ठीक है, अगर आप जो है जिम का शौक रखते हैं और आपकी जो है बॉडी ठीक है, आप समझते हैं कि आप जो एज ए ट्रेनर यहाँ UAE में काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम है जहाँ पर एक्सरसाइज की जाती है। एज ए ट्रेनर आप जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 घंटे आप दोस्तों को काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप ये स्किल भी सीख लेते हैं, बल्कि ये तो आपको आती होगी अगर आपका जिस्म अच्छा है, तो आप जो एज ए ट्रेनर यहाँ पर काम कर सकते हैं और आराम से जो है 4 से 5 हज़ार आप जो है यहाँ से अर्न कर सकते हैं। लास्ट में जो जॉब है वो है सुपरमार्केट की जॉब। सुपरमार्केट में देखें बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है। अगर आप जो है वहाँ पर एज ए कैशियर ही काम करते हैं, ठीक है, आपकी एजुकेशन 10th से भी कम है, आप इंग्लिश थोड़ी बहुत ही बोल सकते हैं, तो वो आपको हायर कर सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में एटलीस्ट 10th तक होना चाहिए तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें सैलरी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होती और कम अज़ कम आपको जो है 10 से 12 घंटे काम भी करना पड़ सकता है। अगर आप जो एज ए फ्रेशर इसमें काम करते हैं और अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है तो आप ये समझ लें कि 1500 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। तो जारी से बात है, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो आपको उसी हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। लेकिन जब तक आप कोई स्किल सीख नहीं लेते आप जो है यहाँ पर जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो इससे पहले बेटर है कि अगर आपने वाकई यहाँ पर UAE में आना है, एजुकेशन कम है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप जो है एज ए मैकेनिकल यहाँ पर काम करेंगे तो आपका जो है फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मैंने और भी कुछ वीडियो बनाई हैं जिसमें जॉब के मतलब काफ़ी चीज़ें आप दोस्तों को बताई हैं, वो अगर आपके पास स्किल है वो भी आप कर सकते हैं। कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ मैंने डाली उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो फ्रेंड, ये थी कुछ जॉब जो मैं समझता था कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आप वाकई यहाँ पर आने का प्लान रख रहे हैं तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास स्किल है तो आपको जो है यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।